अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, डाटा कम्युनिकेशन। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी है हमारे पास, क्या डाटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा और मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मदद से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए हम इसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो भी हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं वापस कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको जो कम्युनिकेशन में हमारे पास पॉसिबल करते हैं, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्पोनेंट है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इनकोडर एंड डिकोडर, और सबसे एंड में हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिनकी जो बेसिस है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम की। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम की सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है मैसेज। ठीक है, मैसेज हमारे पास वो एक्चुअल टेक्स्ट व कॉन्टेक्स्ट होता है जो हमने सेंडर से रिसीवर को तक पहुंचाना है। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्स्ट है, जो साउंड है, जो इमेज है, तो हमारे पास मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जो डाटा है हमारे पास जिसको हमने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, वो उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज। डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा सेंड टू फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, ये जो सारा डाटा है जिसको हमने मैसेज जो सेंडर से लेकर रिसीवर तक सेंड करना है, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज। ठीक है, इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पेलोड में आपके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है जो हमें सेंड करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेलोड। जिसमें वापस वो टेक्स्ट फाइल होगी, वो इमेज होगी, वो साउंड होगा जिसको हमें सेंड करना है, उसको हम क्या कहते हैं, पेलोड। और दूसरा हमारे पास पार्ट होता है इसका कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वापस क्या होता है, जिस जगह जो सेंडर और जिसमें सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास किसके, मैसेज के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेंडर। सेंडर वो पर्सन है या वो कम्युनिकेशन मीडियम है। हम सेंडर को यूजली हम पर्सन से रिलेट करते हैं, लेकिन ये हमारे पास वो कंप्यूटर या वो फैक्स मशीन या वो मीडियम होता है जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो मैसेज को सेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। इसको हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अ डिवाइस डैट इज सेंड डाटा, मैसेज, पिक्चर और नंबर जो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। सेंडर हमारे पास क्या कहता है, ये इनिशिएट करता है हमारे इस प्रोग्राम को, कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला पार्ट होता है जो कि सब सिस्टम को स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं सेंडर। ठीक है, सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और अ मोबाइल फोन। इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है, सेंडर हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर हमारे पास क्या है, द डिवाइस डैट रिसीव्स अ डाटा ऑन अदर एंड इज कॉल्ड रिसीवर। ठीक है, अब रिसीवर हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर हमने फैक्स मशीन पे सेंड किया तो हमारे पास वो मशीन रिसीवर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, या फिर जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एज अ रिसीवर, वो हम उसको क्या कहते हैं, मैसेज को रिसीव करने के लिए उसको क्या कहते हैं, रिसीवर। ठीक है, इसको हम सिंक भी कह सकते हैं। द रिसीवर मस्ट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। अब रिसीवर के पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, उस मीडियम को डील कर सके जिस जगह पे हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फैक्स मशीन से फैक्स कर रहे हैं कोई डाटा, तो वो ऑब्वियसली फैक्स मशीन पे ही जाएगा, वो मोबाइल फोन पे लोड नहीं होगा, वो कंप्यूटर पे लोड नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, फैक्स मशीन के ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। वो मीडियम जिसको यूज़ करते हुए, वो फिजिकल पार्ट है जिसको यूज़ करते हैं हम डाटा को सेंड करते हैं, उसको क्या हम कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल पार्ट डैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज, मैसेज को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे हम मैसेज को सेंड करने के लिए भी हम ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम कॉपर वायर को यूज़ कर सकते हैं, वायरलेसली भी सेंड कर सकते हैं, माइक्रोवेव या फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करके हम डाटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, इनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, अब इनकोडर एंड डिकोडर, द इनकोडर इज अ डिवाइस दैट इनकोड्स द डाटा, दैट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल टू ट्रांसमिट ओवर कम्युनिकेशन लाइंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक्स है उसके ऊपर डाटा को सेंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, इनकोडर का यूज़ करते हैं। इनकोडर क्या कहता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में वापस क्या होगा, डिकोडर होगा। डिकोडर क्या कहता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल टू शो इट ऑन द या टू शो इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो भी आउटपुट स्क्रीन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या फिर फैक्स मशीन, जो भी हम आउटपुट मशीन यूज़ कर रहे हैं उस जगह पर इसको डिकोड करने शो करने के लिए हम क्या कहते हैं, डिकोडर को यूज़ करते हैं। डिकोडर क्या कहता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या कहता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट विद आवर इनकोडर एंड डिकोडर। अब जो सेंडर और रिसीवर है वो इनकोडर और डिकोडर के बगैर डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है,
यही मेरा आज का टॉपिक था, मतलब सेंडर हमारे पास डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर को दरमियान में वो चैनल को यूज़ करते हुए और हम इनकोडिंग और डिकोडिंग को यूज़ करते हुए सेंडर रिसीवर तक डाटा को सेंड कर रहा है। यही मेरा आज का टॉपिक था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।